इधर की तरफ से चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए आगे जो है कुछ निर्माण कार्य हो रहा है, यहाँ पे शिविर वगैरह बनाया जा रहा होगा। और जो है सामने ये पुरानी अयोध्या आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि ये मेन सिटी है दोस्तों, यही जो है मेन मार्केट है अयोध्या का। और अगर हम सीधे की तरफ चलते हैं तो आपको ये रास्ता डायरेक्ट जो है ये राम श्री राम पथ पे आपको ये डायरेक्ट मिला देता है। ऐसे दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप देवकाली बाईपास से डायरेक्ट जो है अयोध्या चौक की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो है कैसा क्या बनाया गया है और क्या क्या व्यवस्था है, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दिखाता हूँ आपको। दोस्तों आपको सामने दिखाई दे रहा होगा 27 का मेन पुल है वो देवकाली बाईपास का। और इधर से जो हम सीधे की तरफ जाते हैं तो आपको जो है ये सीधा आपको अयोध्या चौक की तरफ लेकर जाता है, जो कि आपको पूरा दिखाई देने वाला है। इतना ट्रैफिक यहाँ पर हो जाता है दोस्तों इस रोड इस रास्ते पर देख सकते हैं आप। और सुबह की टाइम में ट्रैफिक इसलिए लोग अपने काम पे जा रहे हैं। और जो है ये पूरा जो है आपको दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे भी निर्माण कार्य हो रहा है। बीच में जो है ऐसे स्ट्रीट लाइट जो है बनाया जाएगा, जैसे सभी रोडों पे बनाया जा रहा है, बीच में स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा और पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ भी जो है आप पूरा चौड़ा देख सकते हैं, पूरे रोड को जो है टू वे बनाया गया है और रोड को भी पूरा चौड़ा किया गया है। मतलब चौड़ीकरण का काम पूरे अयोध्या में हुआ है। आप देख सकते हैं जितने भी जगह जो है, ये देखिए बगल में जो है हनुमानगढ़ी मंदिर आपको दिखाई देगा, हमारे जो है लेफ्ट हैंड साइड पे था। और आगे की तरफ जाते हैं दोस्तों तो ये रास्ता आपको सीधा नाका बाईपास नाका की तरफ लेकर जाएगा, और एक तरफ का रास्ता जो है आपको सीधा अयोध्या चौक की तरफ लेकर जाएगा। तो अभी हम इस वीडियो में दिखाएंगे आपको अयोध्या चौक का जो है पूरा सिटी का टूर कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बीच में जो बनाया गया है ऐसे इसमें स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। और आगे यहाँ पे पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के थोड़ा सा आगे आप जाएंगे ये रास्ता, तो ये रास्ता आपको डायरेक्ट जो है बड़ी देवकाली की तरफ ले जाएगा। बगल में ही यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर बड़ी देवकाली मंदिर है। और आगे से हम इधर से राइट लेंगे दोस्तों, जो कि हमें लेकर जाएगा अयोध्या चौक की तरफ। और अगर सीधा जाते हैं तो ये नाका की तरफ लेकर जाएगा। तो चलिए हम इधर की तरफ चलते हैं। और इधर का निर्माण भी जो है नाका वाला रोड जो है भी पूरा निर्माण नहीं किया गया है, उधर भी चौड़ीकरण होगा। लेकिन इधर की तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी जो है आपको दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको जो है अच्छे अच्छे जो है हॉस्पिटल आपको इधर ही मिल जाएंगे, जैसे कि देवा हॉस्पिटल, चित्तरंजन वर्मा भी यहाँ पे बैठते हैं जो है, यहाँ पे भी एक हॉस्पिटल है। और आगे आपको मॉल भी दिखने वाला है, जो कि स्मार्ट बाज़ार के नाम से है। मॉल जो है आपको दिख जाएगा यहाँ पे, देखिए आगे सामने स्मार्ट बाज़ार है। और इसके आगे थोड़ा सा जाएंगे जहाँ पे पुल का निर्माण हो रहा है, उसी के पास एसलोक जो है हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा इधर ही। देखिए अभी सुबह का टाइम है दोस्तों, लगभग में 8 बज रहे हैं और 8 बजे का टाइम है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा सन्नाटा है, दुकानें अभी नहीं खुली हैं, लेकिन ये बेस्ट टाइम है। अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं तो आप इसी टाइम आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो जाता है कि आप यहाँ से जाएंगे जब तो दिक्कत होगी आपको। और अगर आप इस पुल के ऊपर से आते दोस्तों तो नीचे अगर आप जाना चाहते हैं तो नीचे से जाइए, क्योंकि नीचे से आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ऊपर से आपको डायरेक्ट ये पुल लेकर जाएगा देवा हॉस्पिटल के पास, ये जो है पुल निकालता है। और देखिए ये यहाँ पे जो है नीचे की तरफ जो है ट्रैक है, जो है रेलवे ट्रैक भी है। और जो है ये देखिए सामने आप, ये देवा हॉस्पिटल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आश्रम हृदय संस्थान। ये देखिए ये देवा मेमोरियल हॉस्पिटल है यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड पे, जो कि आगे से जाके जो है अगर राइट हैंड साइड पे मुड़ते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसके आगे दोस्तों अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे गुलाब बाड़ी है, गुलाब बाड़ी पे यहीं पे जो है अगर कोई मेला वगैरह लगता है यहाँ पे तो इन्हीं जगह पे जो है लगता है। और जो है बृहस्पतिवार को यहाँ पे मार्केट भी लगता है, जो कि बृहस्पति मार्केट बोला जाता है। पहले वो मेन जो है अयोध्या के चौक में लगता था, लेकिन अब यहाँ पे लगता है। और नुमाइश वगैरह आते थे पहले तो यहीं पे लगते थे, लेकिन अब यहाँ पे जो है ये छोटा पड़ रहा है जगह, इसीलिए जो है उसको नाका बाईपास के पास जो है वहीं पे
अब नुमाइश वगैरह वहीं पे आते हैं। बगल में हमारे जो है ये, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे दोस्तों, तो इसी जगह पे जो है आपको कब्रिस्तान दिख जाएगा। और ये रीढ़गंज, इसको जो है रीढ़गंज बोला जाता है, जो कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और आगे अगर हमारे इधर से जाते हैं हमारे राइट हैंड साइड पे, तो डायरेक्ट श्री राम पथ पे आप चले जाएंगे। और अगर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इधर जाते हैं, तो ये मेन घंटाघर चौक के पास आपको लेकर जाएगा। चलिए दिखाता हूँ आपको, घंटाघर चौक की तरफ लेकर जाता हूँ। ये देखिए, ये दो दरा है, और इधर जो है अभी हम आ चुके हैं दोस्तों कोतवाली के पास। जो है यहाँ पे कोतवाली है, और अगर आप इस तरफ जाते हैं दोस्तों, तो इधर से आपको ये देखिए ये जाते हैं दोस्तों, तो ये भी आपको जो है, चलिए इधर से ही आपको लेकर चलता हूँ। ये शॉर्टकट है, और अगर आप इधर से जाते हैं तो आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। अगर आप स्लीपर वगैरह जो है बेचने के लिए लेकर जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इस रास्ते से आएंगे, और आपको यहाँ पे बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी स्लीपर वगैरह के जो है आपको, और लेडीज़ के लिए भी आपको यहाँ पे दुकानें मिल जाएंगी। ये सारी दुकानें हैं, आप देख सकते हैं, और अभी तो फ़िलहाल नहीं खुले हैं, लेकिन आपको यहाँ पर थोक में जो है सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए पूरा मार्केट है यहाँ पर, और मार्केट जो है आपको यहाँ पर स्लीपर वगैरह जो है, स्लीपर हुए, जूती हुए, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और अगर आप थोक में कपड़े भी लेना चाहते हैं रेडीमेड, तो आपको वो भी यहाँ से मिल जाते हैं। देखिए दुपट्टा उपट्टा का दुकान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी दोस्तों, अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। ये देखिए अभी हम आ चुके हैं दोस्तों मेन जो है चौक में, और अगर आप हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर जाते हैं, तो इधर से आप डायरेक्ट नाका जा सकते हैं, और अगर इधर जाते हैं तो ये घंटाघर की तरफ ले जाए। चलिए इधर चलते हैं घंटाघर की तरफ, और दिखाते हैं आपको। अभी दोस्तों कोई दुकानें नहीं खुली हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है, और जो है वीडियो बनाने में भी सही रहता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो जाती है इधर की तरफ, तो इसीलिए देखिए ये बहुत ही पुराना जो है अभी बनाया गया है, बना हुआ है, अभी इसको भी तोड़ा जाएगा जब यहाँ का चौड़ीकरण होगा। और सामने ये देखिए घंटाघर है, ये मेन जो है घंटाघर है, और यहाँ पर आपको जो है लेबर भी मिल जाते हैं। अगर आप लेबर वगैरह चाहते हैं, घर वर बनवा रहे हैं, तो लेबर यहीं से लेकर जा सकते हैं। देखिए और ये आगे की तरफ जो है कुछ निर्माण कार्य हो रहे हैं, इसीलिए इधर का जो है पूरा बाधित है अभी रोड, शिविर वगैरह बनाया जा रहा होगा। और जो है सामने ये पुरानी अयोध्या आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि ये मेन सिटी है दोस्तों, यही जो है मेन मार्केट है अयोध्या का। और अगर हम सीधे की तरफ चलते हैं, तो आपको ये रास्ता डायरेक्ट जो है ये राम श्री राम पथ पर आपको ये डायरेक्ट मिला देता है। चलिए दिखाता हूँ आपको। और अगर आप सीधे जाते हैं दोस्तों, ये धारा रोड, धारा रोड से आप जो है डायरेक्ट आप गुप्तार घाट की तरफ जा सकते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं इधर से। और ये देखिए आपको इधर इसी रूट से जो है आपको जो है कॉमन कोर्ट बिल्डिंग आपको देखने को अब मिलता है इसी रूट पे, क्योंकि ये 13 किलोमीटर का पूरा जो है श्री राम पथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियो हम अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।